हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 16। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 15 तक, तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, फर्स्टली हम लोग 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो 2x का होगा, 2 कॉन्स्टेंट है, देन x का x स्क्वायर बाय 2। ओके, फिर हम लोग करेंगे 3 cos x का। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, देन cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस e का पावर x का इंटीग्रेशन होगा e का पावर x। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे e का पावर x, देन प्लस में कॉन्स्टेंट c। यहाँ पर 2 और 2 कट रहा है तो इसे कैंसिल कर देंगे, देन बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस एक कॉन्स्टेंट c। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, पहले हम लोग 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो 2 कॉन्स्टेंट है, देन x स्क्वायर का हो जाएगा x का पावर 3 बाय 3, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 कॉस x, प्लस में 5 कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख देंगे इसे। फिर रूट अंडर x का हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो x का पावर ये लिखा हुआ है 1/2, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर ऐड होता है और वही पावर नीचे डिवाइड में जाता है, मीन्स x का पावर यहाँ हो जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2। देन फाइनली इसे लिख सकते हैं हम लोग 2/3 x टू डी पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 आएगा, और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 x का पावर 3/2 और बाय में 3। ओके, ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, हम लोग का इंटीग्रेशन फाइंड करना है sec x इंटू में sec x प्लस 10x। तो इसका सॉल्यूशन होगा, पहले हम लोग इसको sec x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये आएगा sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पर आएगा sec x इंटू 10x, यहाँ sec x इंटू 10x। ओके, और इंटू में dx। अब क्या करेंगे हम लोग, sec स्क्वायर x का हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 10x प्लस sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sec x और प्लस में कॉन्स्टेंट c। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। तो इसका सॉल्यूशन होगा, sec स्क्वायर x, sec x जो होता है वो cos x का उल्टा होता है, यानी अगर इस टर्म को अगर हम लोग नीचे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड में cos स्क्वायर x, मीन्स जो sec स्क्वायर x होगा वो cos स्क्वायर x का उल्टा होगा, जो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है वो साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा होता है, या फिर अगर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो कोसेक एक्स है वो साइन एक्स का उल्टा होता है। तो कोसेक एक्स को अगर हम लोग ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी एक्स, देन यह होगा साइन बाई कॉस होता है 10, यहाँ स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन, देन 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसे हम लोग चेंज करेंगे। 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, मीन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर एक्स। ओके, देन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड लिखेंगे तो ये होता है 10x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, देन प्लस में कॉन्स्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2 माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर एक्स। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ये दोनों टर्म को इससे डिवाइड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, डिवाइड में 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर 3 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, देन साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर dx एंड यहाँ पर भी dx। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यह आएगा 2 को हम लोग बाहर लिख देते हैं क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट है, देन यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन कॉस स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस ये 3 भी कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर लिख सकते हैं यहाँ पर dx, देन इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर 2 cos x है, मीन्स cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स, तो एक cos x को अगर sin x के साथ लिखेंगे मीन्स sin x बाई cos x तो ये आएगा 10x, बिकॉज sin x बाई cos x क्या होता है 10x होता है, देन यहाँ पर एक और cos x जो बच चुका है उसको अगर हम लोग ऊपर लिखेंगे तो cos x का उल्टा होता है sec x, यहाँ पर भी हमने लिखा था तो cos x उल्टा sec x होता है, तो इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं sec x और यहाँ पर dx। ओके,
अब सिंपली हम लोग को इसका इंटीग्रेशन लिख देना है, तो टू कॉन्स्टेंट है तो टू को ऐसे बाहर लिख देंगे, देन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है उसके बाद टेन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस में सी। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है रूट अंडर एक्स प्लस वन बाय रूट अंडर एक्स। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर एक्स है तो यहाँ पर एक्स का पावर हम लोग लिखेंगे, तो एक्स का पावर रूट मीन्स होता है पावर वन बाय टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर वन बाय टू प्लस यहाँ पर भी सेम लिख सकते हैं वन बाय एक्स का पावर वन बाय टू एंड यहाँ पर डी एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा एक्स का पावर वन बाय टू, देन इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो यह आएगा एक्स का पावर माइनस वन बाय टू, बिकॉज अगर नीचे पॉजिटिव में पावर है तो ऊपर जाता है तो नेगेटिव में चला जाता है, देन यहाँ पर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, एक्स का पावर वन बाय टू प्लस वन प्लस यहाँ इसका क्या होगा, देन यहाँ पर डिवाइड में भी होगा वन बाय टू प्लस वन, फिर इसका हम लोग लिखेंगे तो x का पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन, यहाँ पर मीन्स एक नंबर ऐड होगा, देन जो पावर इसमें लिखे हम लोग उसको नीचे भी लिखेंगे माइनस वन बाय टू प्लस वन एंड प्लस में कॉन्स्टेंट c, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वन बाय टू प्लस वन होता है थ्री बाय टू मीन्स x का पावर थ्री बाय टू और नीचे भी थ्री बाय टू आएगा बट उसको अगर हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ये आ जाएगा टू बाय थ्री, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो देन प्लस x का पावर यहाँ पर आएगा वन में से वन बाय टू को माइनस करना मीन्स वन में से आधा को घटाएंगे तो आधा आएगा, आधा मतलब वन बाय टू, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x का पावर वन बाय टू और देन यहाँ पर भी वन बाय टू आएगा बट इसको अगर हम लोग ऊपर भेजेंगे लाइक यहाँ पर वन बाय टू आएगा बट इसको अगर हम लोग ऊपर भेजेंगे तो टू बाय वन आएगा और टू बाय वन जो नीचे वन है उसको हम लोग हटा भी सकते हैं, देन प्लस में कॉन्स्टेंट सी। इसको और अगर अच्छा से लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं टू बाय थ्री एक्स टू डी पावर थ्री बाय टू प्लस टू रूट अंडर एक्स प्लस सी। तो ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 22। क्वेश्चन 22 है, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है एक फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाय x का पावर 4 और साथ ही हम लोग को दिया हुआ है f2 का वैल्यू दिया हुआ 0, तो हम लोग को फाइंड करना है fx का वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे, तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो dx जो डिवाइड में है इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा d इंटू एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू डी पावर 4 और जो dx यहाँ पर डिवाइड में है वो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पर dx आ जाएगा, देन यहाँ से ये जो d का साइन हटाएंगे तो उस साइड इंटीग्रेशन का साइन लगेगा मीन्स यहाँ पर d का साइन हटाएंगे तो यहाँ बचेगा एफ एक्स और वहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा देन 4x क्यूब माइनस 3 का पावर 3 बाई एक्स टू डी पावर 4 एंड मल्टीप्लाई में dx, ओके मीन्स यहाँ पर जो एफ एक्स का वैल्यू है एफ एक्स का वैल्यू निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स का पावर 4 मीन्स हम लोग को इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 4x क्यूब 4 कॉन्स्टेंट है तो 4 को बाहर लिख देंगे, x का पावर एक ऐड होगा मीन्स 4 हो जाएगा देन वो 4 नीचे भी ऐड आ जाएगा, फिर माइनस 3 यहाँ पर x का पावर 4 है तो इसको हम लोग अगर ऊपर लिखेंगे तो x का पावर माइनस 4 होगा और उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा x का पावर माइनस 4 प्लस 1 देन यहाँ पर भी माइनस 4 प्लस 1, ओके और माइनस 4 प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 3 देन यहाँ पर भी इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली माइनस 3। तो ये इंटीग्रेशन है 3 डिवाइडेड बाई x का पावर 4 का, देन इसे अगर हम लोग और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू आएगा ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा देन बचेगा x का पावर 4 माइनस ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देन यहाँ पर बचेगा 1 बाई एक्स का पावर 3 एंड प्लस में सी यहाँ पर भी प्लस में सी। यहाँ पर मैंने 1 बाई एक्स पावर 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो x का पावर माइनस 3 है इसको अगर हम लोग नीचे ले जाएंगे तो वो पावर उसका रिवर्स हो जाता है मीन्स माइनस है तो प्लस में और प्लस है तो माइनस में। देन यहाँ पर हम लोग को एक वैल्यू दिया हुआ है एफ टू का वैल्यू 0 दिया हुआ है मीन्स अगर हम लोग x का जगह 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। यहाँ पर x का जगह 2 रखेंगे मीन्स 2 का पावर 4 प्लस 1 बाय यहाँ पर x का पावर क्या रखना है 2 रखना है देन 2 का पावर 3 प्लस c इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दे चुका है। देन यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे तो c का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर आएगा 16 प्लस 1 बाय 8 इक्वल टू सॉरी प्लस c इक्वल टू 0, ओके
इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो 16 प्लस 1 बाई 8 आता है 129 बाई 8, देन प्लस में c इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू आएगा यहाँ से 129 बाई 8, और यहाँ पर माइनस साइन, तो ये c जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू आएगा। देन हम लोग को फाइनली निकालना है एफ एक्स का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एफ एक्स का वैल्यू आएगा एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स का वैल्यू क्या आया था, एफ एक्स का वैल्यू आया था एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 प्लस प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3, 1 बाई एक्स क्यूब प्लस में सी, और सी का वैल्यू हमने क्या निकाला है, -129/8, ओके। तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे, तो ये एफ एक्स का वैल्यू होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।